किसान खेती नहीं करेगा तो मोदी क्या खाएगा? मूली या फिर घास या फिर मिट्टी या फिर क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा कुछ भी नहीं। और हाँ देगा क्या? कुछ भी नहीं आगेगा, दाल भी बंद हो जाएगी, भूख बंद हो जाएगी। 12 महीने में 3 साल में मिलने जाते हैं तो किसान को क्या मिलेगा? हाँ तीन साल में भाई को 10 साल में मिलने गए मोदी भाई को, तो हमको क्या मिलेंगे? किसान को मिलेगा? असंभव। राजस्थान से झालावाड़ जिले से बकरी से आया हूँ। मोदी सरकार ने 2022 में हम आय दुगनी कर देंगे, आय दुगनी तो हुई नहीं। और मोदी साहब बैठे हैं सांसद में, आराम से बैठे हैं, एसी में सोते हैं। किसान रात की 12 बजे सिंचाई करता है और खिलाता है उनको। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो मोदी क्या खाएगा? मूली या फिर घास या फिर मिट्टी या फिर क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा कुछ भी नहीं। और हाँ देगा क्या? कुछ भी नहीं आगेगा, दाल भी बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा। अब कमाएगा किसान? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? मोदी एसी में सोता है और किसान खेत में सिंचाई करता है रात की 12 बजे, माइनस में भी चला जाए पारा, लेकिन इनका एसी में सोते हैं, ठंडी न लग जाए। आप क्या करने वाले हैं? हम तो ये करने वाले हैं कि हमारे जो मांगे हैं वो पूरी कर देंगे। इधर कोई बात नहीं, मोदी जी उसकी जगह माँ को 12 महीने में 3 साल में मिलने जाते हैं तो किसान को क्या मिलेंगे? वो हाँ भाई को 3 साल में, भाई को 10 साल में मिलने गए मोदी भाई को, तो हमको क्या मिलेंगे? किसान को मिलेगा? असंभव। हम भाई यो कर देंगे, हम यो कर देंगे। क्या कर दोगे तुम? कुछ भी नहीं करोगे, बस चलोगे रोड पे चलते रहो। किसान अगर नहीं कमाएगा तो कोई भी सक्सेस नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? मोदी साहब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर हिंदू खत्म नहीं आ जाएगा? अरे दूसरा आएगा वो भी मरेगा। अच्छा, जो आएगा जो मरेगा, जो किसान के पास जाएगा किसान की सुनेगा वही। हम राहुल गांधी हम 10 दिन में माफ कर रहे, कर्जा माफ कर रहे, क्या करेगा? अरे इतनी बड़ी दाढ़ी बना ली जैसे मोदी, हम मोदी है तो उसने भी सोची अपन भी मोदी बन जाए, तो मोदी बनेगा तो राहुल गांधी मोदी बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। असंभव। हम तो गांधी है, सब गांधी। अरे गांधी कहा तक रहोगे तुम? असंभव है। ना गांधी रहेगा ना मोदी रहेगा, जो किसान की सुनेगा वही राज करेगा। आप मुझे क्या करना है? मुझे करने दीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जो किसान की बात सुनेगा वो राज करेगा। अच्छा, वो 3 कृषि कानून आया था उसके समर्थन में थे आप? उस बिल्कुल नहीं था, नहीं थे। जो भी मारता है किसान को मारता है, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे IPS अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, कर्मचारी भी। तो वो क्या कानून जो वापस लिया मोदी जी ने लिया, वो गलत क्या है सही क्या? वो तो बिल्कुल सही किया या गलत किया कुछ भी किया, पर किसानों के लिए तो बिल्कुल खराब था। वो किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग किसान थे या नहीं थे? किसान थे, वो पार्टी के थे, वो सब है ना, वो सब कांग्रेस के चट्टू पट्टू थे। अच्छा, जब उन्होंने पैसे दिए तो जो किसानों की बात में रहेगा वही राज करेगा। मैं बात अपनी यही समाप्त करता हूँ, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, बात एग्जैक्ट फंस गए क्या आप? बिल्कुल नहीं, फंसा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं फंसा हूँ, बिल्कुल नहीं फंसा हूँ। किसान के पास पानी नहीं है ना, बोलो कौन थे? आंदोलन जीवी थे, खालिस्तानी थे, क्या थे वो लोग? कौन? वो जो बैठे थे बॉर्डर पे, वो बॉर्डर पे आए थे ना, जब उनके जेब में पैसे नहीं थे ना तो चुपचाप बैठ गए, और जब पैसे आ गए चुपचाप हाँ हम है। सुनो, बॉर्डर आए तो उनके टेंट देखे थे। आज है ना किसान है ना, खुद के पैसे से, किसान खुद के पैसे से आया हुआ है, खुद के पैसे से आया है। यहाँ है ना कोई, देखो कोई बीजेपी का नजर आया, कोई कांग्रेस का नजर आया, क्या कोई कोई आ रहा क्या? एसी रूम बने हुए थे उनके, टेंट लगे हुए थे, बिस्तर थे उनके, पलंग थे उनके, कमरे बने हुए थे, वो कमरा बना लिए थे उन्होंने, यहीं पर धरना देंगे। उन लोग की मांग जायज नहीं थी? बिल्कुल जायज नहीं थी, गलत थी। पार्टी से कॉन्टेक्ट था, पार्टी से कॉन्टेक्ट था। अरे तो फिर ये बताइए कि मोदी जी ने कैसे माफी क्यों मांग ली? वो क्या, जब आदमी हटी नहीं रहा तो क्या करेगा? 56 के प्रधानमंत्री थे यार, जो 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 रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दे वो आदमी अपने देश के किसान को नहीं बना सके? किसान को ही नहीं रोक सकते, बस वो सभी को रोक सकते हो। करो क्या 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 आप पूछे ना, आप हमसे हमारी बात करो, वो कौन थे कौन नहीं थे, हम हमारे सुनिए मेरी बात। वो किसान प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं थे? किसान होंगे या नहीं होंगे, किसान संघ उस समय नहीं था उनके साथ। किसान संघ आज आया है, सरकार ने जो हमसे वादे किए हैं तो हमारी मांगे, सरकार हमको बोल रही है कि 2022 में आपकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। हम पूछ रहे हैं कि कब कर दोगे? हमारी बरसों पुरानी मांग है कि हमारी जो लागत आ रही है हर फसल पे, किसान का पूरा परिवार लगता है, तो वो जो पूरी लागत जोड़ी जाए
और जो लोग नीति तय करते हैं उन लोगों से कि भाई आप वहाँ पे जो किसान संघ के लोग उनको बिठाओ और बताएंगे कि कितना खर्चा आता है, उस हिसाब से वो जो लागत है, हर तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह से किसान को भी महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही ना। संसद में जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता की महंगाई हाई है, मैं बोल रहा हूँ जिन सबकी जो कोई महंगाई भत्ता मिल रहा है, हर अधिकारी वर्ग की तनख्वाह बढ़ रही है, तो किसान का भी लाभ बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो क्या जरूरत हो गया मोदी जी का, मोदी जी क्या करेंगे, देश का तो नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया में, कर रहे होंगे ना, हम कहा मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारी बात कर रहे हैं, पेट की लड़ाई की आए हैं, पेट की लड़ाई है। क्या 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 बोले आप, क्या बोले? लहसुन प्याज तो 2 रुपए किलो, तेल 210 रुपए किलो, और सिलेंडर 1200 रुपए का, यूरिया की बोरी 400 रुपए में भी नहीं मिल रही है। फिर आप कह रहे हो महंगाई, आप जब कह रहे भाई महंगाई, पैसा जो देंगे कहाँ जाएगा, पैसा देश के तो कम आएगा, तो किसान क्या करेगा ये बताऊंगे, किसान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना भाई। आप तो हमारी बात करो ना, हम आए हैं किस काम के लिए, हम आप पूछो, आप लोग बीजेपी को मानते हो नहीं मानते, बीजेपी को आप लोग किसान संघ के लिए आए हैं, किसानों की बात करने आए हैं, किसानों की मांग रखने के लिए आए हैं, किसान संघ में कोई भी पार्टी की बात नहीं होती है। जी हाँ, पार्टी की बात नहीं है, किसानों की बात होगी, किसानों के हक की बात होगी, किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए, ठीक है, किसानों के सामान पे जो GST लग रहा है उसको हटाया जाए, मतलब किसान को जो सम्मान निधि दे रहे हैं 2000 रुपए जो नाम मात्र है उसको बढ़ाया जाए, जिस तरह से हर अधिकारी का सबका पैसा बढ़ रहा है उस तरह से किसानों का भी बढ़ाया जाए, आयात निर्यात की जो नीतियां वो इस तरह से की जाए कि किसान की जब फसल आए जब उस चीज को आयात नहीं किया जाए, ताकि यहाँ किसान के चीज के भाव बराबर रहे, जैसे इस बार जैसे लहसुन के भाव नहीं है, कभी प्याज के, जब हमारी फसल जब प्याज के भाव नहीं रहते हैं, तो इस तरह से व्यवस्था की जाए, ये मांगे लेकर हम आए हैं। मतलब 8 साल में आपके हिसाब से मोदी जी बेकार रहे, नहीं रहे? नहीं, किसने कहा कि बेकार रहे? आप ही तो कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे, नाम मात्र कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो भाई, हम महंगाई बढ़ रही है, हम तो हर किसी के कह रहे हैं ना, मोदी जी से क्या मतलब, कोई भी हो, अरे भाई आज आप यहाँ आए तो मोदी जी की बात कर रहे हो, भाई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, हम किसान है और किसान संघ के मार्फत जिस काम के लिए आए हैं वो बात कर रहे हैं, सरकार को बताने आए हैं, आज सूचना देने जितने भी लोग आए हैं, गिने चुने जो समितियां हैं गांव गांव तक हमारे, उसमें से जनप्रतिनिधि आए हैं उनके। हाँ, आप बताइए आप कहाँ से आए? मैं जयपुर जिला से आया हूँ, जयपुर जिले से, इधर देखिए कैमरा इधर है, क्या कह रहे हैं आप? जय जवान जय किसान, इन दोनों के अलावा देश चलता नहीं है, बॉर्डर पर किसान है, खेत में बॉर्डर पर तो जवान है और खेत में किसान, दो से देश चलता है इन दोनों से, तो मोदी जी ने सुरक्षा कर दी उनकी, तो जवानों की, तो बेंच गरीब मारा जा रहा है, किसान मारा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है, सारा ही खाद बीज कौन खरीदे जाए, इधर जाके आप क्या बात कर रहे हैं, आप मारा जा रहा है, देखो मैं साथ आगे तो साथ देखो, किसान हमने खचे छाला पड़ गया, किसान है ना जो अपने देखो किसान अन्य देश किसान, ये तो अपनी मांग करने के लिए आए किसान, खाली आपका मूल्य के लिए आए, और सरकारें सभी सही है, मोदी जी भी सही है, वो भी सही है, कौन सी है, ये तो किसान तो अपने आपका मूल्य का पैसे बढ़ाने के लिए आए, आज के किसान तो अपनी लड़ाई लड़ने आया, महंगाई महंगाई है आप लोगों के हिसाब से, महंगाई तो चल रही है, महंगाई है, DAP नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, सुपर 460 रुपए मिल रहे, बोर के 200 रुपए में मिल रही थी, यूरिया कितना बढ़ा हुआ है अभी, तो किसान क्या करा, जिसके बाद में MP के 1700-1800 में यूरिया खाद अभी बहुत मुश्किल से मिला है मध्य प्रदेश में भी। अच्छा हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाई मोदी जी ने किसानों को बहुत राहत दी है, बहुत ही नई राहत मिली, हमें तो 1% की राहत नहीं मिली है, वो हमारे गांव 2100 का 4000 का भी इतना चाहिए। अच्छा हाँ, जिसके बाद में हमारे वो लागत बहुत ज्यादा हो गई, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो हमारे किसान को डीजल पेट्रोल के उसमें 15 एक किसान को 11 बीघा जमीन है मेरे पास जिसमें 15000 का डीजल जल गया है। अच्छा हाँ, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे भाई आपका पैसा देश के ही काम आएगा, महंगाई महंगाई कुछ नहीं है, नहीं तो कैसा आएगा, देश का अन्नदाता का पेट नहीं भराएगा तो आपका पेट कैसे भरेगा।